कौन सा? हेलो हेलो, थोड़ी आवाज बढ़ा दे भैया, कोरस वाला। हेलो हेलो, बहुत पुराने गीत गा रहे, अब हमसे बात न होई, सुनाओ शरेदा। के गुरुजी सामने विराजमान हैं, उनकी तरफ से बहुआ भैया की मेहनत पर और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी, की तरफ से भी। याद करा, याद करा, याद करा चहिया, शादी से पहले रहलू। हालांकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो जाने, बहुत गुर वाले जाने, लेकिन इस रहलू शब्द का प्रयोग मैंने अपने खंड गीत में कैसे किया है, कैसे, और निवेदन कर रही हूँ, अच्छा लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। हनुमान जी के गले में एक बड़ी कीमती मणियों की माला डाल दी गई। वाना स्वभाव के अनुसार हनुमान जी ने उस माला को उलट पुलट कर देखा, और जो उनको चाहिए जब वो नहीं मिला, तो उस माला के मोती उन्होंने तोड़ तोड़ कर फेंकने शुरू कर दिए। रामादल के लोगों ने देखा तो कहा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक क्या जाने बंदर का मिजाज। जब माला तोड़ तोड़ कर फेंक दी, लोगों ने कहा, हनुमान इतनी कीमती माला इतनी आसानी से तोड़ दी, क्या ढूंढ रहे हैं इसमें। हनुमान ने कहा, मैं अपने राम जानकी को इसमें ढूंढ रहा हूँ, वही नहीं है, क्या तो ये माला मेरे किस काम की है। लोगों ने कहा, अच्छा अगर इतना ही राम के भक्त हो तो बताओ राम कहाँ है। तो देखिए हनुमान जी ने कहा, कहा के मन का पाइल है मन का, जो मन का नहीं है मन का। हनुमान जी ने कहा, मन का पाइल है मन का, जो मन का नहीं है मन का, तो मन से जोड़ा है मन का, अपने मन से राम के मन को जोड़ रखा है, मन से जोड़ा है मन का, तो
जोड़ा मन का मन का है। और हनुमान जी ने कह दिया रखता हमेशा यही नाम रहलू राम राम राम। ये हनुमान के रखता हमेशा यही नाम रहलू हमका इन्हीं से आराम रहलू। और मेरी पंक्ति अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। हनुमान जी ने कहा रखता हमेशा यही नाम रहलू हमका इन्हीं से आराम रहलू। और देखना है तो सीने को भाव दिखा दिया और कह दिया के सीने में हमरे सीता सीने में हमरे सुना भी आप लोगों ने सम्मान्य भाभी जी को सुना बेटा तमाम तर्क वितर्क के साथ कह रही थी अभी कि आपने सुना नहीं नीलम जी मेरे गीत में कर कर से बना था कर कर चल रहा था। क्या बात है? अगर आप समझ नहीं पाए तो इसमें मेरा क्या दोष है? अच्छी बात है भाभी जी समझ नहीं पाए आपको और आपके गीत को समझ नहीं पाए उसमें कर कर चल रहा था। क्या बात है बेटा? भाभी जी वही गलती आपने कर दी। मैं नहीं समझ पाई मैं छोटी हूँ लेकिन आपने अपना बता दिया ये। कि मेरे गीत में कर कर चल रहा था। आपने ये नहीं बताया कि कटपीस में अंकों से सिंहावलोकन चल रहा था। 70 से शुरू और 70 पे खत्म। अब आप कहेंगे कि नीलम जी मैंने सुन तो रही थी पर लिख नहीं पाया। आइए क्योंकि जहां जनता जागरूक हो समझदार हो और यहाँ सबसे ज्यादा रचनाकार कीर्तनकार बैठे हैं वहाँ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं होती। आइए बहुत ही शीघ्रता में एक सुंदर सा कटपीस आया है। गाया फिर दुनिया वालों ने क्या अब हमसे बात न होई सुन ले मेरे राजा भाभी जी बाबा बजरंगबली के सीन
सीताराम नहीं और कहां कहां है क्या बात। जब व्यंग कर दिया सभा में क्या बाबा बजरंगबली आपके हृदय में श्री राम है जो आपने मन का तोड़ दिया, सीने में सीताराम है तो बाबा बजरंगबली ने किया क्या? आइए क्या